सो ये चलिए आज का ट्रेड देख लेते हैं कि मैंने कहाँ कहाँ पे लिया, किस किस बेसिस पे ट्रेड लिया। तो गाइस इससे क्या होगा कि आपको नॉलेज मिलेगा और आपको भी ट्रेड लेने का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं भी कैसे ट्रेड लेता हूँ। दोस्तों मैं आपको चलिए बताता हूँ चार्ट पे कि मैंने क्यों लिया। और गाइस मैं ये भी बता देता हूँ, मैं ज्यादा तेजी नहीं रहती है मुझे मतलब ट्रेड लेने की ज्यादा, मैं जब तक कॉन्फर्मेशन नहीं आता या सारी चीजें नहीं होती तक मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं एक बार चार्ट। सो गाइस सबसे पहला जो मेरा ट्रेड था वो बैंक निफ्टी में था। तो गाइस मैंने बैंक निफ्टी में यहाँ पे ट्रेड लिया था। गाइस चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सो मैंने इस वाली जो ब्रेक गई ये जो कैंडल यहाँ पे आया, तो गाइस मैं डायरेक्टली तो लेता ही नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे लेना ही नहीं था। तो मार्केट नीचे आया ऊपर गया और जब ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो मैंने 180 का प्रीमियम उठाया था और यहाँ तक मैंने कवर किया। जैसे ये डोजी बनने लगा तो मैं यहाँ पे निकल गया। लेकिन गाइस ये इतना मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं टेलीग्राम में अपडेट नहीं कर पाया। लेकिन गाइस जो निफ्टी का था ये मैंने अपडेट किया था, चलिए आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस देख सकते हो कि ये जो मेरा निफ्टी का था ब्रेक होने के पहले ही मैंने आपको यहाँ पे अपडेट किया था कि ये ऐसा कर लो। तो दोस्तों अगर आपको भी नॉलेज चाहिए तो आप कर सकते हो। तो गाइस देख सकते हो कि जैसे ही ये ब्रेक नहीं हुआ था, ब्रेक के पहले ही मैंने यहाँ पे डाला था कि यहाँ से 40 पॉइंट आपको इजीली मिल सकता है। तो गाइस आप देख सकते हो कि इजीली आपका यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया। तो गाइस मैं ये निफ्टी 50 का डाल, मैंने ये ट्रेड नहीं लिया, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि गाइस मैं एक ही ट्रेड करता हूँ इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लेता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे टारगेट आपका कुछ ज्यादा ही पॉइंट मिल गया, जैसे कि मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस भी मार्क करके रखा और यहीं से बाउंस बैक कर गया। तो गाइस देख सकते हो कि ये लगभग मैंने यहाँ पे आपको बताया था कंफर्मेशन आने पर मैं यहीं पर एंट्री ले लेता, लेकिन आपको तो अच्छा खासा आपको यहाँ पे 40 पॉइंट का, यहाँ पे देखिए करेक्ट 40 पॉइंट्स का आपको यहाँ पे टारगेट मिल चुका है। सो गाइस मैं सिंगल ट्रेड हूँ, सिंगल ही ट्रेड करता हूँ, ज्यादा बार बार ट्रेड में नहीं घुसता और ज्यादा स्कैल्पिंग वगैरह के चक्कर में मैं नहीं पड़ता हूँ। और निफ्टी में मैंने यहाँ पे लिया गया, उसके बाद से मार्केट गाइस अब देखो ये वाला जो है ये कोई नहीं पकड़ सकता है। यहाँ से देखिए यहाँ से ये लोगों को लग रहा है कि इतना गिर गया होगा, लेकिन गाइस आप सोचो कि ये किस बेसिस पे आप पकड़ोगे। अगर कोई स्कैल्पर है वही पकड़ सकता है, तो स्कैल्पर वाला क्या करेगा, यहाँ पे निकलेगा और जब ये बड़ी कैंडल यहाँ पे बनेगी तो वहीं पर निकल जाएगा। यहाँ तक कोई मूवमेंट नहीं, अभी इसके बाद से कोई प्राइस ही नहीं बना। अब देखो ये रेंज बाउंड हो गया है, अब ये इस रेंज को ब्रेक करे या फिर ये नीचे साइड, तो गाइस नीचे साइड रिस्की हो सकता है। अगर ऊपर की साइड अगर ब्रेक करे तो आप इजीली ले सकते हो। तो बताइए दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए।